सो दिस चैप्टर इज ऑन डिमांड। तो इसमें हम स्टार्ट करने जा रहे हैं केमिस्ट्री क्लास 11th का पहला चैप्टर। एक स्टूडेंट है आकांक्षा, जिसने डिमांड किया कि सर ये चैप्टर पढ़ा दीजिए। तो मुझे लगता है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा, तो इसे बनाना भी ज़रूरी है, तभी बच्चे ने कहा है। तो शुरू करते हैं। सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स, तो उसने शायद पहला और दूसरा चैप्टर मेंशन किया है। अब मैं यही देखा हूँ, अगर जो कोई करेक्शन हो तो बता सकते हैं कि वो 12 है क्या। तो खैर हम आगे बढ़ते हैं, काम तो आएगा इस चैप्टर का भी, और आप अपने बेसिक्स क्लियर कर लीजिए तो पूरी केमिस्ट्री बढ़िया है। वैसे कोई भी सब्जेक्ट बढ़िया है, बट चलिए शुरू करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं नया लेक्चर सीरीज केमिस्ट्री के लिए ऑन एल्टम साइंटिया। सो फर्स्ट लाइन इसमें जो लिखा है, एक मोटिवेटेड कोट लिखा है, मोटिवेशन कह सकते हैं, या फिर बहुत ही अच्छा कोट लिखा है, केमिस्ट्री इज साइंस ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब इसको भी समझना होगा कि व्हाट इज मॉलिक्यूल्स एंड देयर ट्रांसफॉर्मेशंस। ठीक है, तो मॉलिक्यूल्स अब आज अभी कुछ भी समझ लीजिए, एक पार्टिकल समझ लीजिए, और उस पार्टिकल के चेंज के साथ हम डील करेंगे इसमें। ठीक है, इट इज द साइंस नॉट सो मच ऑफ द 100 एलिमेंट्स। मतलब कि ये ऐसा साइंस नहीं है जिसमें कि केवल 100 एलिमेंट्स को एलिमेंट्स के बारे में समझा जाए, बट ऑफ द इनफाइनाइट वैरायटी ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब जाहिर सी बात है, आप अगर जो हल्का सा मैथमेटिक्स पढ़ते होंगे तो एक चैप्टर आता है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इन 100 बेसिकली 112 है प्लस एक्स, जितने हाइपोथेटिकल नाम वहां रख दिए गए हैं, बशर्ते जो एग्जिस्ट कर रहे हैं, उन 112 एलिमेंट्स के कॉम्बिनेशन से इनफिनाइट मॉलिक्यूल बनाए जा सकते हैं। इनफिनिट मॉलिक्यूल्स बनाए जा सकते हैं दैट में बिल्ड फ्रॉम देम। तो इन्होंने कहा है रॉल्ड हॉफमैन ने। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। अब ये चूंकि स्टार्टिंग में बहुत ही इंट्रोडक्टरी बातें कही गई हैं, तो मैं उस पे ध्यान ना देके, कोई हमसे इतिहास नहीं पूछने वाला, कोई हमसे ये नहीं कहने वाला कि इसका शुरुआत कहाँ हुआ, बट जो एक कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए मैं सोचता हूँ कि जरूरी है आप सबके लिए, उसको मैं ऐड करने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे। सो इट केम अप एज द रिजल्ट, जो सब्जेक्ट केमिस्ट्री है वो एक ऐसे काम से आया, सर्च फॉर टू इंटरेस्टिंग थिंग्स। ये स्टार्टिंग कहाँ से हुई, दो चीजों की खोज से ये गवर्न हुआ कि इतना बड़ा केमिस्ट्री बन गया। सबसे पहला फिलोसोफर स्टोन, जो कि इंडिया में पारस पत्थर कहा जाता था, विच वुड कन्वर्ट ऑल बेसर मेटल्स। मतलब कि जो बेस मेटल्स हैं उन्हें एक पर्टिकुलर दूसरे मेटल में कन्वर्ट कर सकता था, दैट वाज गोल्ड। ठीक, तो उस ऐसे पत्थर, उस ऐसे कंपोजिशन की खोज में ये सारे डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बने कि हमें कहीं से पारस पत्थर बन जाए। ठीक, सो और दूसरा क्या था, एलिक्सर ऑफ लाइफ, अमृत बनाने के चक्कर में डिफरेंट केमिकल्स आपस में कंपोज किए गए कि कहीं से हमारे पास इमोर्टैलिटी आ जाए। ठीक, इमोर्टैलिटी आ जाए, बशर्ते क्या हुआ हम सभी जानते हैं, आज यहाँ पे जिस तरह से रह रहे हैं। खैर आगे बढ़ते हैं। केमिस्ट्री डेवलप्ड मेनली इन फॉर्म, अब तक बात हो गई कि माइंडसेट क्या था, किस माइंडसेट की वजह से ये इतना डेवलप हुआ। अब लोकेशन की बात कर रही है, किया जा रहा है कि फॉर्म ऑफ एल्केमी, ये सारे काम एल्केमी के ही होते थे पुराने जमाने में। ठीक, एंड इटेर केमिस्ट्री, ये क्या था, ये कुछ ऐसा था जो ये दूसरे से गवर्न हो रहा है कि कोई डिजीज हुआ है तो इसमें ये केमिकल सही काम करता है। ठीक है,
इसको एक तरह से कह लीजिए केमिस्ट्री बिलोंग्स विद मेडिसिन। और कब? 1300 टू 1600 सी। सो मॉडर्न केमिस्ट्री टुक शेप इन, अब आज की केमिस्ट्री कहां से आई? वो 18वीं सदी से यूरोप से शेप लेना शुरू की, आफ्टर अ फ्यू सेंचुरीज ऑफ अल्केमिकल ट्रेडिशंस विच वर इंट्रोड्यूस्ड इन यूरोप बाय द अरब्स। तो एल्केमी के बारे में हम अक्सर अरबिक स्टोरीज में सुनते रहे, ठीक है ना? तो वो उस तरह से धीरे धीरे इंट्रोड्यूस हुआ। अब इंडिया में क्या है, हमें पढ़ना है इंडिया में, तो इंडिया में इसका क्या हिस्ट्री रहा है उसके बारे में जानते हैं। इन एंशियंट इंडिया केमिस्ट्री वॉज कॉल्ड रसायन शास्त्र, जानते हैं, रसतंत्र, रसक्रिया और रस विद्या। अलग अलग टेक्स्ट में, अलग अलग स्क्रिप्चर्स में ये अलग अलग नाम यूज किए गए हैं। अब इसमें क्या होता था उस समय के जो स्क्रिप्चर्स, जो इन सभी शब्दों से बिलोंग करके किस चीजों से कोरिलेट किया गया था, जो थी मेटलर्जी, मेडिसिन, मैन्युफैक्चर ऑफ कॉस्मेटिक्स, ग्लासेस, डाइज, इन सभी चीजों को बनाने की कोशिश करी जाती थी उसमें, ठीक है? तो ऐसे कह सकते थे कि उस समय कहा जाता था कि क्या तुम्हें ग्लास बनाने का या शीशा बनाने का रस विद्या पता है? तो ये चीजें थी, ठीक है? क्या तुम कॉस्मेटिक्स का रसायन शास्त्र जानते हो? ये चीजें जरूरी थी, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। रिमेन्स ऑफ, अब इसका ये कैसे हम कह सकते हैं कि इंडिया में इतना वो पॉपुलर था उस समय? तो जो हमारे सिविलाइजेशन पाए गए हैं, जो हड़प्पन हड़प्पन एंड जो मोहनजोदारो जो लोकेशंस हैं, वहां से ग्लेज पॉटरी, ऐसी पॉटरी जो एक शाइन लेके रहती थी, जिसमें एक ग्लेज रहता था या फिर रहता है, वहां पे जिप्सम सीमेंट मिला। आखिर में सीमेंट कैसे बना? हैज बीन यूज इन द कंस्ट्रक्शन वर्क। इट कंटेन्स सैंड, लाइक सैंड तो मिलाया ही जा रहा है, प्लस उसके साथ CaCO3, चूना भी मिलाया गया है। मतलब कि कहीं ना कहीं ये भी एक केमिस्ट्री ही है। मेजोरिटी सिलिका प्लस CaCO3 मिला दिया गया, ठीक। हड़प्पन मेड फायंस, अ शॉर्ट ऑफ ग्लास विच वॉज यूज इन ऑर्नामेंट, ठीक है ना? ये भी एक तरह के चमकीले पॉट से ही रिलेटेड है, चमकीली चीजों से ही रिलेटेड है, विच वॉज यूज इन ऑर्नामेंट, ऑर्नामेंट्स को शाइन देने के लिए काम आता था। द मेल्टेड एंड फ्यूज्ड अ वैरायटी ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मेटल्स, मेटल्स के भी काम किए हैं उन लोगों ने। हमें याद है कि हम कांस्य काल के बारे में भी बात करते हैं हिस्ट्री में, सच एज लेड, सिल्वर, गोल्ड एंड कॉपर, ठीक। दे इम्प्रूव द हार्डनेस, अब कॉपर में उन्होंने क्या किया कि कॉपर की हार्डनिंग को भी उन्होंने सही किया, क्या करके? टिन और आर्सेनिक को मिला करके। तो ये कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छा फाउंडेशन था हमारे केमिस्ट्री के लिए उतनी सालों पर पहले, या फिर शताब्दियों पहले। अ नंबर ऑफ ग्लास ऑब्जेक्ट वर फाउंड इन मस्की, मतलब कि और जगहों पे भी ग्लास ऑब्जेक्ट्स पाए गए हैं। कॉपर की मेटलर्जी के बारे में बात किया गया है, ठीक है ना? तो और देखते हैं, अब कुछ किताबों के बारे में बात है कि ऋग्वेद में लेदर के टैनिंग के बारे में बात करी गई है, कॉटन के डाइंग की बात करी गई है, कॉटन को कैसे कलर करते हैं ड्यूरिंग 1000 to 400 BCE। द गोल्डन ग्लास ऑफ द ब्लैक पॉलिश वर्ल्ड नॉर्थर्न नॉर्दर्न इंडिया कुड नॉट बी
replicated and is still a chemical mystery. अब बात क्या आती है कि जो पॉट हल्का सा गोल्डन साइन लिए हुए हैं वो अभी तक इसकी मिस्ट्री को सुलझाया नहीं जा सका है कि आखिर ये कैसे बन रहा है, और उसके मिस्ट्री को अभी तक भी पता नहीं लगाया गया है। खैर, बात आती है कौटिल्य के अर्थशास्त्र की। उन्होंने भी मेंशन किया है कि यहाँ पे समुद्र से नमक बनाया जाता था। ठीक, अ वास्ट नंबर ऑफ स्टेटमेंट एंड मटीरियल डिस्क्राइब्ड एंशिएंट वैदिक लिटरेचर। अब एंशिएंट वैदिक लिटरेचर में क्या कुछ मेंशन किया गया है उसके बारे में भी हल्का सा जान लेते हैं। इसमें ध्यान दे सकते हैं कॉपर यूटेंसिल्स, आयरन, गोल्ड, सिल्वर ऑर्नामेंट, टेराकोटा, इवन टेराकोटा की भी बात करी जा रही है उस समय। सो ग्रे पॉटरी। अब बात आती है सुश्रुत संहिता, जो कि हमारा बहुत ही अच्छा मेडिकल से रिलेटेड एक स्क्रिप्चर है, जिसमें एल्कलीज मतलब कि क्षार अक्सर आप बेस कहते फिरेंगे इसे। द चरक संहिता, चरक संहिता में सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, ऑक्साइड्स ऑफ कॉपर, टिन एंड जिंक मतलब कि कॉपर टिन और जिंक के ऑक्साइड, कॉपर जिंक और आयरन के सल्फेट्स, लेड और आयरन के कार्बोनेट्स वगैरह बनाने की बात भी करी गई है। रसोपनिषद, हमारे यहाँ उपनिषद भी हुआ करते हैं, जैसे कुछ होते हैं जैसे वेद होते हैं, वेदांत होते हैं, फिर उसके बाद उपनिषद आते हैं। उपनिषदों में जिसमें एक रसोपनिषद है उसमें गन पाउडर कैसे बनाया जाता है इसकी भी बात करी गई है। कुछ तमिल टेक्स्ट तो ऐसे हैं जिसमें फायरवर्क्स की भी बात की गई है, कैसे, यूजिंग सल्फर, चारकोल एंड साल्टपीटर जिसे हम पोटेशियम नाइट्रेट कहते हैं, मर्करी एंड कैम्फर कपूर के इस्तेमाल से। एक लोग हैं नागार्जुन, वॉज अ ग्रेट इंडियन साइंटिस्ट, जो कि एक ग्रेट इंडियन साइंटिस्ट थे, बहुत ही अच्छे साइंटिस्ट। उनका एक स्क्रिप्चर था रस रत्नाकर, जिसमें उन्होंने मर्करी कंपाउंड के कुछ फॉर्मुलेशंस के बारे में उन्होंने बताया है। ठीक है ना, कुछ मेटल्स के एक्सट्रैक्शन की विधियां रसर नवम, जो कि 800 CE में ही लिखा जा चुका है। इट डिस्कस द यूज ऑफ वेरियस फर्नेसेस। ठीक है, एक्सट्रैक्शन प्रोसेस है ना, तो उसमें बहुत सारे फर्नेसेस की जरूरत पड़ती है, जिसमें से बहुत ही इंपॉर्टेंट एक फर्नेस है ब्लास्ट फर्नेस। ठीक है, तो कैसे हम इतना हीट जनरेट करें कि डिफरेंट मेटल्स को भी हम पिघला सके, उस समय पर भी इसकी बात हुई है। डिस्क्राइब्स मेथड ऑफ बाय विच मेटल कुड बी आइडेंटिफाइड बाय फ्लेम कलर। अब इवन यहां तक भी बताया गया है कि कोई मेटल जल रहा है तो उसके फ्लेम कलर को देख के हम पता कर सकते हैं कि वो मेटल कौन सा है। चक्रपाणि डिस्कवर्ड मर्क्यूरी सल्फाइड। अब जो भी चीजें हैं, चक्रपाणि जैसे नागार्जुन थे उसी तरह चक्रपाणि थे, एरंड भी थे, महुआ प्लांट एंड कैल्शियम कार्बोनेट वर यूजिंग मेकिंग सोप। इन्होंने बता दिया कि साबुन कैसे बनाया जाए। अजंता के दीवारों पे, एलोरा के दीवारों पे ये कुछ बात लिखी गई है कि इंडिया में उसी समय एक हाई लेवल का साइंस अचीव कर लिया गया था। वराहमिहिर के बृहद संहिता इज अ शॉर्ट ऑफ एनसाइक्लोपीडिया विच वॉज कम्पोज इन 6th century CE। इट इन्फॉर्म अबाउट द प्रिपरेशन ऑफ ग्लूटिनस मटीरियल टू अप्लाइड ऑन वॉल एंड रूफ ऑफ हाउस एंड टेम्पल्स। और कैसे ये प्लांट फ्रूट या सीड से बनाया जाता था उसके बारे में बताया गया है। सो नेक्स्ट, यहाँ कश्यप जो थे, जो चीजें मुझे इंपॉर्टेंट लगी हैं वो मैं बता रहा हूं। वॉज फर्स्ट प्रोपोनेंट ऑफ एटॉमिक थ्योरी। अब जब पढ़ेंगे
तो उन्होंने आप कोरिलेट करेंगे तो बहुत पहले ही एक एटॉमिक थ्योरी के बारे में बताया जा चुका है। ही फॉर्मुलेटेड द थ्योरी ऑफ वेरी स्मॉल इनविजिबल पार्टिकल। उन्होंने एक स्मॉल इनविजिबल पार्टिकल का थ्योरी दिया और जिसका नाम उन्होंने परमाणु रखा है, कंपेरेबल टू एटम्स, एटम से हम कंपेयर कर सकते हैं। ही ऑथर्ड द टेक्स्ट वैशेषिका सूत्र, अकॉर्डिंग टू वैशेषिका सूत्र में उन्होंने कहा कि ऑल सब्सटेंसेस आर एग्रीगेटेड फॉर्म ऑफ स्मॉलर यूनिट्स कॉल्ड एटम। यहाँ पे आप परमाणु बोलिए क्योंकि उन्होंने लिखा है, तो उन्होंने परमाणु लिखा होगा, जो कि स्फेरिकल, सुपरस्टेंसिबल एंड इन मोशन इन द ओरिजिनल स्टेट। मतलब कि वो गोल है, अविभाज्य है या फिर तोड़ने योग्य नहीं है, बहुत ही टेंसाइल है, बहुत ही मजबूत है और वो अपने ओरिजिनल स्टेट में मोशन के कंडीशन में है। ही एक्सप्लेन दैट हिज इंडिविजुअल एंटिटी कैन नॉट बी सेंस्ड थ्रू ह्यूमन ऑर्गन। मतलब कि वो जो पार्टिकल्स हैं ह्यूमन ऑर्गन्स के द्वारा सेंस नहीं किए जा सकते। अब बात आती है कंद, एडेड दैट देयर आर वैरायटी ऑफ एटम्स। मतलब कि उन्होंने कहा एटम भी कई तरह के हैं, ठीक, दैट आर एज डिफरेंट क्लासेस ऑफ सब्सटेंस। जैसे कि हम डिफरेंट सब्सटेंसेस बनाते हैं या फिर डिफरेंट मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, उसी तरह से एटम्स भी डिफरेंट हैं, ठीक है ना। और हम जानते हैं डिफरेंट एटम ही तो प्योरेस्ट फॉर्म में या फिर सिंगल एटम जो होते हैं वो एलिमेंट बनाते हैं, और डिफरेंट फॉर्म हम लोगों ने काउंट भी कर रखा है लगभग। ही सेड दीज दैट इज परमाणु कुड बी फॉर्म अ पेयर ऑफ पेयर्स। मतलब कि डबलेट के फॉर्म में ये कुछ बना सकते हैं, ट्रिपलेट के फॉर्म में भी ये कुछ बना सकते हैं, अमंग अदर कॉम्बिनेशन एंड अनसिन फोर्स कॉज इंटरेक्शन बिटवीन देम। अब यहां वहां पे एटॉमिक फोर्सेस की बात भी हुई है, ठीक। ही कॉन्सेप्चुलाइज हिज थ्योरी अराउंड 205 ईयर बिफोर जॉहन डाल्टन। अब जब हम आगे पढ़ते हैं केमिस्ट्री में, जॉन डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, बट आप देखिए ये सारी बातें इनसे 2500 साल पहले ही कही जा सकती है, 1-2 साल नहीं, 2500 साल मायने रखते हैं, 25 शताब्दी पहले की बात है। वी आर नॉट गोइंग फार फ्रॉम अ सेंचुरी, एक सेंचुरी से ज्यादा हम आगे नहीं जा पाते हैं। अब बात आती है चरक संहिता, ओल्डेस्ट आयुर्वेदिक एपिक इन इंडिया। इट डिस्क्राइब्स द ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज, द कॉन्सेप्ट ऑफ रिडक्शन ऑफ पार्टिकल। मतलब कि बात नैनोटेक की हो रही है, कैसे पार्टिकल को छोटा किया जाए, ठीक। द साइज ऑफ मटेरियल इज इन चरक संहिता, एक्सट्रीम रिडक्शन ऑफ पार्टिकल साइज इज टर्म एज नैनो टेक्नोलॉजी दिस डेज। चरक संहिता डिस्क्राइब्स द यूज ऑफ भस्म ऑफ मेटल इन द ट्रीटमेंट ऑफ एलमेंट। और आज के दिनों में इसे प्रूव किया जा सकता, किया जा चुका है कि उनमें नैनो मेटल्स होते हैं, नैनो मटेरियल्स होते हैं जो कि हमारी बॉडी में अब्सॉर्ब होते हैं, और वो हमारे, जाहिर सी बात है, अगर हम किसी पिल के थ्रू मेडिसिन ले रहे हैं, किसी टैब के थ्रू में मेडिसिन ले रहे हैं और उसमें कुछ मेटल पार्टिकल्स हैं जो कि हमें सही कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है अगर भस्म भस्म हम यूज कर रहे हैं और उसमें वो नैनो पार्टिकल्स हैं, वो भी हमारे शरीर में अब्सॉर्ब तो होंगे ही ना, तो वो उस एलिमेंट को ठीक करेंगे, ठीक है। अब इसके बाद धीरे धीरे समय बदला और आ गए हम लोग एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स पे, ठीक। अब बात कुछ इंडक्शन की हो रही है, आपको इंक्यूबेट करने की कोशिश करी जा रही है कि क्या लगता है आपको कि हम एटम्स के नंबर को काउंट कर सकते हैं।
एंड मॉलिक्यूल्स इन अ गिवन मास ऑफ मैटर, मतलब कि कोई भी सब्सटेंस इतना दे दिया गया तो इसमें कितने एटम्स हैं या फिर पर्टिकुलर ग्राम या फिर कोई वेट आपको दे दिया गया, क्या कितने मॉलिक्यूल्स होंगे वो आप काउंट कर सकते हैं। आज के दिन में ये पॉसिबल है, ठीक है ना, मैं बताऊंगा आगे, या फिर पिछली क्लास में मैं बताया भी होऊंगा, हाई स्कूल में मोल कॉन्सेप्ट में ये सारी चीजें पढ़ते हैं हम लोग, एवोगैड्रोस नंबर पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। खैर, एंड हैव क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन मास एंड द नंबर ऑफ दीज पार्टिकल, क्या हम इनके मास और नंबर, इनके पार्टिकल के नंबर में कुछ कोरिलेशन ला सकते हैं? यो वी कैन, ठीक। वी विल फर्दर डिस्क्राइब हाउ फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द मैटर कैन बी क्वांटिटेटिवली डिस्क्राइब्ड यूजिंग न्यूमेरिकल वैल्यूज ऑफ द सिटेबल विद सिटेबल यूनिट्स। तो हम ये भी देखने की कोशिश करेंगे कि कैसे ये न्यूमेरिकली हम उनके वेट को आपस में कोरिलेट करेंगे इसी चैप्टर में, ठीक है। तो मुझे लगता है लेक्चर 20 मिनट का हो चुका है, बहुत लंबा लंबा लेक्चर नहीं देना चाहता, और अगर आपको लगता है कि इससे ज्यादा भी आप अकोमोडेट करते हैं कर सकते हैं तो अगले लेक्चर पे ट्यून इन कर लीजिएगा, बशर्ते मैं लेक्चर को इतना ही रखना चाहता हूँ, ओके। सो अगले लेक्चर के लिए जरूर, हाँ ये जरूर है, इसको इंट्रोडक्टरी समझ के छोड़ना दीजिए, इसे कंप्लीट करिएगा, ठीक है ना, ओके। सो ऐसे ही आप मुझे सजेशन दे सकते हैं, मुझे कह सकते हैं कि आप किस पे बनाए, मैं आप सभी के लिए, आप सभी के हेल्प के लिए तत्पर हूँ, ठीक है। अच्छे से पढ़िए, अच्छे नंबर लाइए। थैंक यू वेरी मच।